चले भाई, तो आज हम प्रेजेंट करते हैं आपको 20 अगस्त की करंट अफेयर्स। इसमें भी बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चंस हैं और उम्मीद करता हूँ ये सारे क्वेश्चंस आपको अच्छे लगेंगे, क्योंकि ये सारे ही क्वेश्चंस जो है ना वो आपके एग्जाम्स में पूछे जाने वाले क्वेश्चन हैं, और इसमें मैं जो भी एक्स्ट्रा डिटेल्स बताऊंगा वो भी आपके क्वेश्चंस को याद रखने के लिए आपको काफ़ी मदद करेगा। ठीक है, चले स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन ले लेते हैं। पहला क्वेश्चन में भी कल का क्वेश्चन होगा, उसके बारे में भी मैं बता दूंगा आपको। पहला क्वेश्चन है कि हाल ही में भारत के उपराष्ट्रपति ने कहाँ पर टीकाकरण भारत कार्यक्रम शुरू किया? वेयर हैज द वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया स्टार्टेड द वैक्सीनेट इंडिया प्रोग्राम? महाराष्ट्र, केरला, उत्तर प्रदेश या फिर कर्नाटका? तो जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा कर्नाटका। कर्नाटका के बैंगलोर के राजभवन में उन्होंने शुरू किया था। वाइस प्रेसिडेंट कौन हो जाएंगे? वेंकैया नायडू। इनकी किताब मैंने बताई, लिसनिंग लर्निंग लीडिंग और मूविंग ऑन मूविंग फॉरवर्ड, ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में किसे राजस्थानी भाषा में साहित्य अकादमी पुरस्कार 2020 दिया गया है? यानी हु वॉज गिवन द साहित्य अकादमी अवार्ड 2020 इन द राजस्थानी लैंग्वेज? भंवर सिंह सामौर, शंकर सिंह ढंकाल, ओमचिरी पिल्लई या फिर यशोधरा मिश्र? तो जो सही आंसर हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएंगे आपके भंवर सिंह जो है सामौर। इनको सनातन दीट करके जो है उस किताब के लिए राजस्थानी भाषा में साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, जो कि पूछा जा सकता है। हु हैज बीन अपॉइंटेड एज द सीईओ ऑफ एचएसबीसी इंडिया? हाल ही में एचएसबीसी इंडिया के सीईओ के रूप में किसे अपॉइंट किया गया है? शांति लाल, हितेंद्र दवे, संदीप बख्शी या फिर एनवी वेणुधर रेड्डी? तो जो सही आंसर हो जाएगा दोस्तों वो कौन हो जाएंगे? वो हो जाएंगे हितेंद्र दवे। ठीक है, हितेंद्र दवे को एचएसबीसी इंडिया के सीईओ के रूप में अपॉइंट किया गया है। अगला क्वेश्चन ले लेते हैं। अगला क्वेश्चन दोस्तों, हाल ही में किसे पंजाब राज्यपाल का अतिरिक्त प्रभार दिया गया, यानी पंजाब के राज्यपाल के रूप में, यानी चंडीगढ़ के लिए किसको बनाया गया है भाई? तो वो बनाया गया थावर चंद गहलोत, मंगू भाई छगनलाल पटेल, हरिबाबू खंबती या बनवारी लाल पुरोहित को? तो जो सही आंसर हो जाएगा दोस्तों वो कौन हो जाएंगे? बनवारी लाल पुरोहित, बेहल पुरोहित जी को, जो कि तमिलनाडु के भी गवर्नर है। इनको जो है एक्स्ट्रा प्रभार दिया गया कहाँ का? तो वो दिया गया पंजाब का। जबकि थावर चंद गहलोत पूछा जाएगा तो वो कहाँ के हो जाएंगे? कर्नाटका के हो जाएंगे। मंगूलाल भाई पटेल कहाँ के हो जाएंगे? एमपी के हो जाएंगे। और ये कहाँ के हो जाएंगे जो है हरिबाबू खम्बमपति? तो ये हो जाएंगे आपके मिजोरम के, जो कि आपको पूछा जा सकता है। आगे बढ़ते हैं। हाल ही में दिल्ली सरकार ने किसे अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया? हु वॉज अपॉइंटेड बाई द दिल्ली गवर्नमेंट एज इट्स ब्रांड एम्बेसडर? सोनू सूद, विद्या बालन, नारायण कार्तिकेन या फिर इनमें से कोई नहीं? तो जो सही आंसर हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएंगे सोनू सूद। आई थिंक ये न्यूज सबको ही पता होगी। हाल ही में LIC किस नाम से एक मोबाइल एप्लीकेशन लॉन्च करा है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ध्यान रखिएगा। LIC के अगर मान लीजिए आपको चेयरमैन पूछे जाएंगे, RS कुमार हो जाएंगे, सिद्धार्थ महंती CEO हो जाएंगे LIC के। ठीक है, और LIC ने कौन सा मोबाइल एप्लीकेशन लॉन्च किया? तो वो हो जाएगा आपका आनंद। आनंद मोबाइल एप्लीकेशन किसके द्वारा लॉन्च किया गया है? तो वो LIC के द्वारा लॉन्च किया गया है। ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है जो कि आपको पूछा जा सकता है। अगला क्वेश्चन ले लेते हैं। हाल ही में स्टार्टअप टीवी पार्टनरशिप बोर्ड का अध्यक्ष कौन बन गया? हु हैज बिकेम द चेयरमैन ऑफ स्टॉप टीवी पार्टनरशिप बोर्ड? हर्षवर्धन, किरण रिजिजू, मनसुख मंडाविया या फिर अमित शाह? तो जो सही आंसर हो जाएगा दोस्तों वो कौन हो जाएंगे? तो वो हो जाएंगे मनसुख मंडाविया जी। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, जो कि पूछा जा सकता है। अगला क्वेश्चन ले लेते हैं। अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में किस मंत्रालय ने समृद्ध कार्यक्रम लॉन्च किया? विच मिनिस्ट्री लॉन्च द समृद्ध प्रोग्राम? संस्कृत मंत्रालय, पर्यावरण मंत्रालय, मिनिस्ट्री ऑफ रेलवेज या इलेक्ट्रॉनिक्स और IT मंत्रालय? तो जो सही आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? वो हो जाएगा आपका इलेक्ट्रॉनिक्स और IT मंत्रालय। इस मंत्रालय ने आपका जो है समृद्ध कार्यक्रम लॉन्च किया, जो कि आपको पूछा जा सकता है। बढ़िया क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन ले लेते हैं। हाल ही में पंजाब सरकार ने आयुष्मान भारत सरबत सेहत बीमा योजना के लिए किस संगठन को चुना है? विच ऑर्गेनाइजेशन हैज बीन चूजन बाई द पंजाब गवर्नमेंट फॉर द आयुष्मान भारत सेहत बीमा योजना? HDFC, SBI GI, ICICI या फिर एक्सिस बैंक? तो जो सही आंसर हो जाएगा दोस्तों वो क्या हो जाएगा आपका? वो हो जाएगा SBI GI। ध्यान रखिएगा, अच्छा क्वेश्चन जो कि आपको पूछा जा सकता है। अभी SBI ने जो है ना आपका जम्मू एंड कश्मीर में बोट ATM भी लॉन्च किया, जो कि आपको पूछा जा सकता है। हाल ही में ओ चंद्रशेखर का निधन हो गया, इनका संबंध किस गेम से था? ओ चंद्रशेखर पास्ड अवे विद वोम वॉज ही रिलेटेड? फुटबॉल, हॉकी, क्रिकेट या फिर बैडमिंटन? तो जो सही आंसर हो जाएगा वो संबंधित है फुटबॉल से। ओ चंद्रशेखरन जी किससे संबंधित थे? तो वो फुटबॉल से संबंधित थे, जो कि आपको पूछा जा सकता है। अगला क्वेश्चन है, विच स्टेट गवर्नमेंट हैज अप्रूव्ड मेरा काम मेरा मान योजना? किस राज्य सरकार ने मेरा काम मेरा मान योजना को मंजूरी दे दी? हरियाणा, पंजाब, राजस्थान या फिर नन ऑफ दीज? तो जो सही आंसर हो जाएगा दोस्तों वो कौन जाएगा, वो क्या हो जाएगा? वो हो जाएगा पंजाब। इसके अलावा मैंने लाल लकीर भी बताई थी, सगुन भी स्कीम बताई थी आपको कि कहाँ चलाई गई है, तो वो आपकी पंजाब में चलाई गई है। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन दोस्तों कि विच कंपनी हैज लॉन्च एन ऐप कॉल्ड हॉरिजॉन वर्करूम? किस कंपनी ने हॉरिजॉन वर्करूम नाम से एक एप्लीकेशन लॉन्च किया? गूगल, फेसबुक, अमेजॉन या फिर नन ऑफ दीज? तो जो सही आंसर हो जाएगा वो लॉन्च किया है फेसबुक ने। फेसबुक ने, ध्यान रखिएगा, आपका जो है हॉरिजॉन वर्करूम करके जो है कि लॉन्च किया, एक एप्लीकेशन लॉन्च किया। जबकि गूगल मैंने आपको बताया था कि बी इंटरनेट ऑसम करके उन्होंने पोर्टल लॉन्च किया बच्चों के लिए, जो कि आपको पूछा जा सकता है। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन दोस्तों, हु चेयर द मीटिंग एग्रीकल्चर मिनिस्टर ऑफ
ब्रिक्स ब्रिक्स के मंत्रियों की बैठक जो है, कृषि मंत्रियों की बैठक किसने करी? नरेंद्र मोदी जी ने, एस जयशंकर ने, नरेंद्र सिंह तोमर ने, या फिर नन ऑफ दीज? तो जो सही आंसर हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएंगे नरेंद्र सिंह तोमर जी। नरेंद्र सिंह तोमर जी के द्वारा आपका ब्रिक्स के किसी मंत्रियों की बैठक की अध्यक्षता की गई, जो कि आपको पूछा जा सकता है। अगला क्वेश्चन ले लेते हैं। हु हैज रिसेंटली रिटन द एड्रेस बुक ऑफ पब्लिशिंग मेमोर इन द टाइम ऑफ कोविड-19? हाल ही में किसने एड्रेस बुक ऑफ पब्लिशिंग मेमोर इन द टाइम ऑफ कोविड-19 लिखा है? रितु मेनन, प्रीति सिंह, अर्पिता गर्ग, या फिर नन ऑफ दीज? तो जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएंगे रितु मेनन। किसके द्वारा लिखा गया? ये किताब भी मैंने आपको पढ़ा रखी है। तो किसके द्वारा? तो वो रितु मेनन की तरफ से ये किताब लिखा गया है, एड्रेस बुक ऑफ पब्लिशिंग मेमोर इन द टाइम ऑफ कोविड-19। ठीक है, ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, विच स्टेट गवर्नमेंट हैज अनाउंस टू सेट अप द फर्स्ट हैंडीक्राफ्ट पार्क? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ध्यान रखिएगा, ये आपको पूछा जाएगा। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि आपको पूछा जा सकता है कि विच स्टेट गवर्नमेंट हैज अनाउंस टू सेट अप द फर्स्ट हैंडीक्राफ्ट पार्क? किस राज्य सरकार ने पहला हस्तशिल्प पार्क स्थापित करने की घोषणा करी है? राजस्थान, उत्तर प्रदेश, हरियाणा, या फिर नन ऑफ दीज? तो जो सही आंसर हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा आपका उत्तर प्रदेश। लेदर पार्क भी ध्यान रखिएगा उत्तर प्रदेश में ही बनाया जा रहा है, जबकि वाटर पार्क पूछा जाएगा तो वो कहाँ पे? हरियाणा में। और आज का क्वेश्चन दोस्तों कि विच मिनिस्ट्री हैज स्टार्टेड 100 डेज कैंपेन नेम्ड सुजलाम? सुजलाम नाम से किस मंत्रालय ने स्वाधीन का अभियान शुरू किया? मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर, मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ, मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति, या फिर नन ऑफ दीज? और ये क्वेश्चन भी मैंने आपको पढ़ा रखा है। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? गजेंद्र सिंह शेखावत जी, यानी मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति मंत्रालय, जो कि आपको पूछा जा सकता है। उसके अलावा दोस्तों आपको पता है कि मैं अकेडमी पे भी पढ़ाता हूँ, तो अकेडमी पे मेरी क्लासेस लेने के लिए सबसे पहला काम तो आप अकेडमी का एप्लीकेशन इंस्टॉल कर लीजिए। वहाँ पे मेरी फ्री क्लासेस, पेड क्लासेस और आपको फ्री टेस्ट सीरीज भी मिलती है। प्लस यहाँ पे बेस्ट प्लेटफॉर्म आपको एसएससी प्लेटफॉर्म मिल जाता है, या कोई भी एग्जामिनेशन के लिए अगर आप अनअकैडमी प्लस सब्सक्रिप्शन लेते हैं तो ये सारे बेनिफिट्स मिलते हैं। बेनिफिट्स लाइक 30% अनलिमिटेड बैच कोर्सेज हो गए, 300 क्लासेस पर डे हो गए, 70+ एजुकेटर्स हो गए, 40,000 रिकॉर्डेड कंटेंट्स हो गए, 20,000 प्रैक्टिस क्वेश्चन हो गए, 90% ट्रस्टेड लर्नर्स जो इसका फायदा उठा रहे हैं। प्लस यहाँ पे इंडिया के टॉप एजुकेटर्स हैं जिनकी क्लासेस चल रही है, मेरी भी क्लासेस इसमें आपको मिल जाएंगी। टीम फोनिक्स हो गया आपको, उसके अलावा ब्रह्मास्त्र बैच हो गया आपको, सफलता बैच हो गया आपको, एसएससी सीजल 2020 मेंस बैच हो गया, और उसके अलावा जो है लक्ष्य बैच हो गया, यानी स्ट्रॉन्ग लाइनअप है बैच कोर्सेज की, जिसको ज्वाइन करके आप इसका फायदा उठा सकते हैं। प्लस आपको डाउट डाउट क्लियरिंग जो एक आपका डाउट जो है क्लियरिंग फीचर भी बहुत अच्छा दे दिया गया है, जिसमें आप ईमेज के थ्रू, रिकॉर्डिंग्स के थ्रू, यानी किसी भी हाल में अपने डाउट्स को आप पहुंचा सकते हैं, और आपके डाउट्स को पूरी तरीके से सॉल्व भी किया जाएगा, यानी उसको जो है कि जो भी डाउट्स आप भेजते हैं उनको क्लियर भी किया जाएगा। प्लस अगर अभी आप अकेडमी सब्सक्रिप्शन लेते हैं, 1 साल का सब्सक्रिप्शन लेने पर 3 महीने, 2 साल का सब्सक्रिप्शन लेने पर 6 महीने, 11 एक, और उसके अलावा सीटी प्रिपरेशन में लेते हैं तो 1 साल का सब्सक्रिप्शन लेने पर 6 महीने, 2 साल का सब्सक्रिप्शन लेने पर 12 महीने तक के जो है आपको ऑफर्स मिल जाते हैं। प्लस हर संडे को आपका कॉम्बैट होता है, उस कॉम्बैट को ज्वाइन करने के लिए आपको एक कोड अप्लाई करना होता है, वो कोड हो जाएगा विमलेश@40। ठीक है, प्लस ये कोड जो है आपको सब्सक्रिप्शन के लिए भी जो है कि यही कोड यूज करना पड़ता है। वो कोड मैं आपको बता देता हूँ, वो कोड क्या हो जाएगा? विमलेश@40। इससे क्या हो जाएगा, आपको 20% ऑफ हो जाता है। तो विमलेश@40 कोड ध्यान रखिए और अनअकैडमी एप्लीकेशन पर जुड़ जाइए और ऑल सेट हो जाइए एग्जाम्स को क्रैक करने के लिए। और उम्मीद करता हूँ ये सेशन आपको अच्छा लगा होगा। सेशन अच्छा लगा तो इसे ज्यादा से ज्यादा लाइक करें, चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए और वीडियोस को ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए। आज के लिए बस इतना ही, थैंक यू सो मच, हैव अ गुड डे।